Hello everyone, this is not Dr. Da. I'm an engineer by profession. I've done my master's from IIT Roorkee and currently working as a software engineer. अबे शुरू हो गया बोल तेरी लाइन है कौन सी लाइन है अबे ये तो तू बेइज्जती कर रहा है तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज की इट एक्चुअली पेज माय बिल्स तो वो डॉक्टर भी करेगा ना भाई बट आई एम नॉट ए डांसर बाय द वे ही इज If you haven't checked out, and you are watching fourth episode of DNC show, and in this episode you're gonna know what is the difference between an engineer and a doctor. तो कहने को तो ये मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अपन दोनों बचपन से दोस्त हैं, है ना भाई? And those who are new to the channel, I am Dr. Dark. I have completed my final year of MBBS from a government medical college in Shimla. And now doing internship in the same hospital. तो भैया इंटरनेट पर लोग एक इंजीनियर और एक डॉक्टर की लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो भैया लोगों का ऐसा मानना है कि एक डॉक्टर को आसानी से जॉब मिल जाती है बट एक इंजीनियर बेरोजगार रहता है। इट डिपेंड्स कि आपने कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। अगर आपने प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक IITs NITs से इंजीनियरिंग की है लाइक यू कैन गेट अ जॉब इजीली नो डाउट नंबर ऑफ इंजीनियर्स ज्यादा है एंड कंपैरेटिवली जॉब्स कम है बट नो वन नो इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग बट स्टिल इंजीनियर्स आर बेरोजगार ना बट आई एम नॉट एंड देर आर मेनी मोर लाइक मी लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि डॉक्टर्स कभी बेरोजगार नहीं हो सकते तो आप गलत हैं क्योंकि अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें फॉर एग्जांपल मैंने हिमाचल से MBBS की है वहीं से अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहा हूँ इस साल वहाँ 80 मेडिकल ऑफिसर की सीट्स के लिए नियरली 450 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया तो आप गैप देख ही रहे हैं और ये गैप हर साल बढ़ता चला जाएगा नियरली 1000 डॉक्टर्स हर साल निकलेंगे हिमाचल स्टेट से और सीट्स आपको पता ही है कितनी कम हो चुकी है तो डॉक्टर्स में बेरोजगारी आ चुकी है इट स्टार्टेड विद द इंजीनियरिंग एंड राइट नाउ इट्स गोइंग एवरीवेयर भैया They say doctors can earn a really hefty amount, but engineers cannot. It again depends. So basically, आप किस कंपनी में जॉब करते हो दिस मैटर्स अ लॉट आपका प्लेसमेंट किस कंपनी में हुआ बेसिकली बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पैकेज देती हैं. Can they earn in crores? Yeah, definitely. आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि एक IIT गुवाहाटी के बंदे का 2 point something करोड़ का पैकेज लगा है बट एक्चुअली ये जो करोड़ में पैकेज है ये एक्चुअली US बेस्ड कंपनीज है जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाके हायरिंग करती है दिस इज नॉट इंडियन पैकेज दिस इज एक्चुअली US पैकेज कैन डॉक्टर्स अर्निंग करोड़ डेफिनेटली अगर तुम्हारे पापा का हॉस्पिटल है तो लेकिन अगर तुम्हारे पापा का हॉस्पिटल नहीं है और तुमने फिर भी MBBS कर लिया है तो शायद तुम करोड़ में अर्न नहीं कर पाओगे बहुत मेहनत लगेगी इंडिया में तो नहीं कर पाओगे क्योंकि मैक्सिमम पैकेज अगर तुम्हें मिलता है तो वो लैक से ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि अगर हम सैलरीज देखें तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद सेम ही रहता है क्योंकि वो डिपेंड इस पे नहीं करता है कि तुम कितने पेशेंट्स देखते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में लेकिन अगर तुम्हारा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो तुम डेफिनेटली अर्न कर सकते हो जितने ज्यादा पेशेंट्स देखोगे उतने ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे इंडियन मार्केट में सेम गोज फॉर इंजीनियर्स हैं जो करोड़ के पैकेज होते हैं जनरली US कंपनीज के होते हैं इंडियन मार्केट में भी इंजीनियर्स लाख से कमाते हैं जिनकी जॉब लगती है और जिनकी जॉब नहीं लगती है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो मतलब जो बेचारे जिनकी जॉब नहीं लगती है तो दे ट्राई ऑफ कैंपस एंड ऑफ कैंपस में भी अच्छा पैकेज मिल जाता है कभी कभी कम मिलता है लाइक पर्सन कैन गो अप टू द लैडर एंड As much as he can. Hope you are enjoying this video. But I have something for you. If you are good in studies, then you have a chance to win a MacBook Air. You can also win an iPhone or an iPad. And many more exciting prizes and scholarships. Participate in this Unacademy Prodigy and get a chance to win 20 lakh of college grant and exciting prizes. आप ये सारे टेस्ट दे सकते हो 23 जनवरी onwards से 13 फरवरी तक. और आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी क्लास चूज कर सकते हैं चाहे आप क्लास 7th में पढ़ते हो 10th में पढ़ते हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप IIT की तैयारी कर रहे हो अगर आप अभी तक किसी बैच में एनरोल नहीं हुए हो तो आप अनअकैडमी के लीडर्स एंड अचीवर्स बैच में ज्वाइन कर सकते हो और ये अचीवर्स एंड लीडर्स बैच 12th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और निश्चय बैच 7th जनवरी से और मोस्ट इम्पोर्टेंट 10,000 क्वेश्चंस भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है जो 5th जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और अगर आप 6 मंथ्स के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं अनअकैडमी का तो आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा और अगर आप कोड यूज करते हैं डॉक्टर डार्क वन देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू वांट टू गेट 4 करोड़ प्लस वर्थ रिवॉर्ड्स देन यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अनअकैडमी नीट UG कॉम्बैट व्हिच इज गोइंग टू हैपन ऑन 9th जनवरी 11 AM
तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे दोस्त, जाओ बैठकर पढ़ाई करो और अपने हाथ से इतने सारे प्राइजेस को जीतने का मौका मत जाने दो। सो डू यू नो एनी पर्सन हु हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम अ नॉन प्रीमियम इंस्टीट्यूट बट स्टिल अर्निंग इन करोड़्स? या एक्चुअली आई हैव मल्टीपल फ्रेंड्स एंड लाइक वी ऑल डू हैव मल्टीपल फ्रेंड्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि लाइक उनका कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था कॉलेज से, उन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर एंड देन दे स्विच्ड टू एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज बेसिकली। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में, यू कैन स्विच टू डिफरेंट कंट्रीज। आई कैन टेक वन एग्जांपल हियर। सो अमेज़न में बेसिकली लोग स्विच करते हैं सो दैट दे कैन मूव टू डिफरेंट कंट्रीज। जनरली लोग यूएस जाते हैं एंड दे आर इन क्रॉस देयर। ओके चलो भैया ये तो बहुत हो गया, ये बताओ इंजीनियरिंग कॉलेज में अटेंडेंस का क्या सीन होता है? अटेंडेंस यार लाइक 75% तो मैंडेटरी होती है। आई हैव अ डाउट, आप लोग जाते भी हो? मतलब हमें तो यही पता है कि इंजीनियर्स बस पढ़े रहते हैं और बस एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं कभी कभार, ऐसा होता है क्या? इट डिपेंड्स, अगर आपका कॉलेज अच्छा है आपको मेंटेन करनी पड़ती है 75% अटेंडेंस, प्रोफेसर पे जाते हैं, अगर कम है तो फेल भी कर देते हैं एंड आप फिर एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो बट मेडिकल कॉलेज में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है 75% से तो रिटेन, और तुम्हें रेगुलर तो रहना ही पड़ता है। तुम लोग ऐसे रेगुलर क्लासेस जाते हो कि मतलब नहीं यार आज 9 बजे क्लास है तो पहुंचना है ऐसे? नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा चिल है, सही है। जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं किसी पर्टिकुलर टीचर का लेक्चर, तो अगर उनका उसमें इंटरेस्ट होता है तो वो जरूर अटेंड करते हैं। कभी कभी वो नहीं जाते हैं किसी किसी पर्टिकुलर लेक्चर में। इंजीनियर्स रेंचो की तरह होते हैं। ओके सही है, तो मतलब नहीं जा रहे तो सीखते रहते हैं। हाँ लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज में तुम नहीं जाओगे तो किताबों से शायद तुम इतना नहीं सीख पाओगे जितना क्लिनिकल प्रैक्टिस से सीखते हो। क्लिनिकल नॉलेज तुम्हें जो मिलती है वो हॉस्पिटल में मिलती है, तो तुम्हें रेगुलर जाना पड़ता है अगर तुम्हें सीखना है तो। बाकी इंजीनियर्स तो तुम घर पे बैठ के सारी चीज़ें कर लेते हो, जाते हो तुम कॉलेज? इट डिपेंड्स, आप कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ऑडियंस अभी तक कंफ्यूज हो गई होगी कि आपने कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग की है। तो मैंने एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। ओके एंड कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक मतलब आपके लैब्स होती हैं, तो लैब्स में आप जाके प्रोग्रामिंग सीखते हो कुछ कुछ, तो एल्गोरिदम सीखते हो। अ कोडर और एन इंजीनियर? कोडर कैन बी एनीवन, ऑल्सो इंजीनियर कैन बी एनीवन। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके वहाँ लाइक डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दी बेस्ट एग्जांपल इज गूगल। गूगल में आपने अगर कोडिंग सीखी हुई है तो यू कैन अप्लाई। इवन यू कैन अप्लाई। तो भैया आपको क्या लगता है कि मेडिकल टफ है या इंजीनियरिंग टफ है? इट अगेन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स। ओके तो मतलब ब्रांचेस तो सारी टफ होती हैं इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव में, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिंपल ब्रांच है, और उसमें भी फिर लाइक आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं, आपका कॉलेज कौन सा है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सही है, मतलब इंजीनियरिंग एक्चुअली चिले कंपेयर टू MBBS आई थिंक, बट ये एक्चुअली लोगों की गलतफहमी होती है कि MBBS बहुत ज़्यादा टफ है एंड इंजीनियरिंग चिलर। ये एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो एग्जाम्स होते हैं लाइक वो हर कॉलेज में होता है एक्चुअली, आपके इंटरनल्स होते हैं, बहुत सारे इंटरनल्स होते हैं एक्चुअल में, और आपके एक्चुअल में 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक में। हर एक सेमेस्टर में आपके मिनिमम 2 इंटरनल्स होते हैं, बहुत सारे वाइवास होते हैं। तो जब मैं मेडिकल उसमें आने वाला था तो यही शख्स था जिसने बोला था कि तू अब इसमें जा रहा है तो तेरी टेबल पे किताबें खुली रहेंगी 24 के 24 घंटे, तो इसने मुझे डराया था, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं निकला वहाँ जाके। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता कि तुमने पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो अगर पढ़ना है तो तुम कम सिलेबस पढ़ के भी पास हो सकते हो और ज़्यादा किताबें पढ़ के नॉलेज भी गेन कर सकते हो। तो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो मेडिकल लाइन वैसे बोलने को तो टफ इसलिए है क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी होती है, ऐसा ही इंजीनियरिंग उसमें भी होता है यार। तुम अगर कोई कोड लिख रहे हो तो तुम्हें बहुत सारे अगर शॉर्टकट्स तुम अपनाते हो तो वो सारी चीज़ों में मेमोराइज करनी होती है, अलग अच्छा तो नहीं। तो मेडिकल साइंस को हम टफ इस सेंस में बोल सकते हैं क्योंकि तुम एक रियल पर्सन से डील करने वाले होते हो, वही इंजीनियर्स मशीन से डील करने वाले हो, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इंसान अगर एक बार चला गया तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो अगर उस सेंस में अगर बात करें तो एक्चुअल में इट इज वेरी टफ। ये एक्चुअली में गलत पॉइंट है। हाँ जी ओके लाइक के
हम मशीन से डील करते हैं, हम मशीन से डील नहीं करते, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी बिल्ड सिस्टम फॉर द पीपल. मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दे देता हूँ. सो सिविल इंजीनियर्स बेसिकली बिल्ड द ब्रिज, उन्होंने ब्रिज बना दिया, राइट. अगर उन्होंने सही से ब्रिज नहीं बनाया तो इट कैन बी डेंजरस फॉर मल्टीपल पीपल. वहाँ सिंगल पर्सन नहीं, वहाँ हजार लोग हो सकते हैं. सेम गोज टू कंप्यूटर साइंस, वी आर बिल्डिंग द सिस्टम्स, राइट, एंड वी आर द बैकबोन ऑफ टूडेज वर्ल्ड. आई एग्री विद दिस पॉइंट. ठीक है, डिफिकल्टी काफी हो गई है. आप ये बताओ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग होती है? बहुत ज्यादा होती है. एंड मैं तो क्या बताऊं, लाइक मैं तो बोर्डिंग में था तो मेरी तो सिक्स क्लास से रैगिंग होती है. ओके. हाँ, वैसे बचपन में मुझे कहानियां सुनाता था जब अपने बोर्डिंग से वापस आता था, तो बेसिकली एक सिक्स क्लास से नवोदय चले गए थे, और जब ये वापस आते थे तो बताते थे कि इनके साथ क्या क्या हुआ. एक बोतल की कैप से भर के इनसे बाल्टियां भरवाते थे, तो ये तो मुझे कहानियां याद है. तो लेकिन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वहाँ कैसा हुआ, मतलब सीन कैसा था उधर? बहुत ज्यादा बेकार रैगिंग होती है, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ क्या क्या होता है. नहीं, हम ये सारी यंग ऑडियंस है, समझ सकती है चीजें. नहीं, दिस इज वे बियॉन्ड. ऐसा होता था, रैगिंग रूम होता था एक पर्टिकुलर, किसी भी बंदे का एक रूम डेजिग्नेटेड होता था, दिस इज द रैगिंग रूम. तो वहां पे ऐसा होता था कि मतलब सारे सीनियर्स बैठे होते थे और जो जूनियर्स होते थे वो ऐसा नहीं था कि सारे एक साथ जाने, दो तीन आते थे. उनका रैगिंग का एक स्लॉट होता था कि लाइक दो तीन इस वाले जूनियर्स, लाइक इन वाले जूनियर्स की रैगिंग है आज. आप लोग वहाँ मतलब रैगिंग रूम में होते थे, जिस सीनियर की भी जो भी इमेजिनेशन होती थी, जो भी नहीं वो बोलता था और आपको करना होता. लेकिन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग तो बेसिकली आपने सुना ही है कि किस लेवल तक चली जाती है. तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ ज्यादा कुछ खतरनाक चीजें नहीं हुई है. बस एक बार एक मेरे रूम में बहुत सारे जूनियर्स को, मतलब मेरे बैच को सीनियर्स ने मुर्गा बनाया था, कुछ हो गया था, कुछ सीन वगैरह उसके ऊपर. बाकी ऐसे छोटे मोटे तो होते ही रहता था, सीनियर आते थे, काम कराते थे उल्टे सीधे, वो सारा सीन था. बाय द वे, डू यू सपोर्ट रैगिंग? नहीं यार, मतलब रैगिंग आई थिंक लाइक पर्सनली नहीं होनी चाहिए. मतलब जितना मुझे अभी लगता है लाइक साइकोलॉजिकली बंदे में पूरी जिंदगी भर के लिए बैठ जाती है वो चीज, के कैसे हुआ. अगेन लाइक इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है ये भी, कि कुछ लोग तो उसे स्पोर्टिंगली ले लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं ले पाते. और लाइक उसमें उनकी गलती नहीं है, जो एक्चुअली में फेस करता है उसे ही पता होता है कि एक्चुअल में रैगिंग क्या होती है. मतलब सही है, लाइक छोटी से छोटी चीज भी लोगों के लिए बहुत बड़ी होती है किसी किसी के लिए. एंड यू डोंट नो कि किसके लिए क्या छोटी सी चीज़, जो तुम्हें लग रहा है कि वो छोटी सी चीज़ है उसके लिए बड़ी हो सकती है. तो ये थोड़ा सा एक्चुअल में ऐसा होता है. सही है, लाइक इंट्रो लेना, लोगों के बीच में इंट्रैक्शन तो होना ही चाहिए. इंजीनियरिंग कॉलेज के पर्सपेक्टिव में लाइक बीटेक, यू स्पेंड 4 ईयर्स देयर, तो आप लोगों को जानना ही है. लाइक यू विल नो योर सीनियर, यू विल सी देयर फेसेस इन द डिपार्टमेंट. तो आप लोगों को बात करनी है उनसे, राइट. मतलब सही है, हमारे वहाँ पे बुक्स को मार्क नहीं किया जाता ज़्यादा, बट अगेन सोसाइटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली कल्चरल ग्रुप्स एंड लाइक देर आर मल्टीपल अदर ग्रुप्स, रोबोटिक्स ग्रुप एंड ऑल दैट. तो आप लोगों को वहाँ सीनियर से मिलना ही होता है, और जनरली ऐसा होता है कि अगर आपके सीनियर्स अच्छे हैं तो यू विल लर्न ए लॉट. बट भैया, आपने तो पूरे कॉलेज के सामने नागिन डांस किया था, और मुझे लगा कि आप अपने जूनियर्स से भी कराएंगे. वो एक्चुअली मैंने नहीं किया था, पूरे ग्रुप ने किया था. It was a part of rally and it happened. But I am not a dancer, by the way. He is. If you haven't checked out, क्या आपको लगता है इंजीनियर्स की भी रिस्पेक्ट होती है? हाँ यार, डेफिनेटली. मतलब मैंने तो फील की है रिस्पेक्ट होते हुए, बट आई एग्री कि डॉक्टर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट होती है एंड होनी भी चाहिए. वो एक्चुअली जिंदगी बचाते हैं यार लोगों की. बट मुझे लगता है इंजीनियर्स की कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है. तू ही तो नहीं करता, लोग तो करते हैं. कोई नहीं करता भाई, करते हैं. चल बे, मॉम डैड से आके पूछ. ये बड़ा है ना, सिर्फ इसलिए इसकी रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि ये सबसे पहले पढ़ने वाला बच्चा होता है. चलो ये तो ठीक है. अगर मैं बोलूं कि आपको एक मौका मिलता है मेडिकल लाइन चूज करने का, तो क्या आप डॉक्टर बनोगे?
हाँ मुझे कभी कभी लगता है इसे देख के एक्चुअली में जैसे प्रेजेंट करता है लाइक मेडिकल साइंस में इतने एडवांसमेंट होते जा रहे हैं कि मतलब लोगों की जिंदगी बचाते हैं, तो कभी कभी फील होता है कि यार सही है कि अगर डॉक्टर बना होता सोसाइटी में ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता था। तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज की? एक्चुअली जैसा सब लोग बचपन में सोचते हैं चाइल्डहुड ड्रीम के लिए, मैं एक्चुअली पायलट बनना चाहता था एंड उसके लिए मैथ जरूरी होती है एंड मेरे स्कूल में मैथ और बायो नहीं ले सकते थे साथ साथ, तो मुझे मैथ कंपलसरी लेनी थी टू बिकम ए पायलट और मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया बट मैं खुश हूँ अपनी जॉब से अभी। तो ये एक्चुअली चाइल्डहुड ड्रीम्स थे, घर वालों ने मुझे बोला कि बायो ले बट बेसिकली इसका प्रेशर मुझ पर डाल दिया गया और मुझे तो कुछ बनना ही नहीं था बचपन से।